साथ साथ इन्होंने मतलब लिख रखा है साइड पे ड्रीम पैकेज, सुपर ड्रीम पैकेज जैसे। सो हेलो ऑल ऑफ यू, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ SRM कॉलेज के ऊपर। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो SRM से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माई सेल्फ अमित कुमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी, एंड मैं आप लोगों के लिए हमेशा कॉलेज रिव्यू लाते रहता हूँ। मैंने कई सारे कॉलेज का रिव्यू दिया है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो भाई SRM, देखो कभी भी हम जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज में जब हम जाते हैं, तो कई सारी चीजें हमारे मन में डाउट्स रहती है और हम कई सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई कॉलेज कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, हमारे घर से कितना दूरी पे है वो कॉलेज, वहाँ का कल्चर हमारे जैसा है या नहीं, इन्वायरमेंट अच्छा है या नहीं, कैंपस कैसा है, फीस कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब हम कॉलेज से निकलेंगे तो प्लेसमेंट कैसा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट हम देखते हैं किसी भी कॉलेज में जाने टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं हर एस्पेक्ट को पॉइंट वाइज आप लोग के सामने रखूंगा, उसके बाद आप खुद एनालाइज कर लेना कि ये कॉलेज कैसा है। देखो बेसिकली क्या है ना कि इसके चार कैंपसेस है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में भी कैंपस है, हरियाणा में, और साउथ इंडिया में भी कैंपस है, लेकिन जो इसका मेन कैंपस है वो है चेन्नई में। तो मतलब SRM के जितने भी SRM में जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो इसके चार कैंपसेस है, तो मेन ब्रांच जो मेन कैंपस है ना, वहां पे अगर एडमिशन मिले एज कम्पेयर टू अदर तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मेन है वो चेन्नई में है, जो कि 250 एकड़ में फैला हुआ है। 1985 में स्टेब्लिश हुआ था वो कॉलेज। सो कैंपस काफी बड़ा है, अच्छे अच्छे कॉलेज IITs NITs इतने बड़े नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं होते NITs भी। तो कैंपस इसका काफी बड़ा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम कैसे एलिजिबल है यहाँ एडमिशन के। तो देखो आपकी क्लास 12 में ना 50% मार्क्स आने चाहिए, फिजिक्स प्लस मैथ तो कंपलसरी है, प्लस केमिस्ट्री या फिर और कुछ, मतलब और जो सब्जेक्ट्स आपके प्लस 12 में रहते हैं, मतलब 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। और ये जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेते हैं, इनका अपना एग्जाम होता है SRM जेई का। उस एग्जाम में जो रैंकिंग आती है, जो कट ऑफ आते हैं, उसके बेसिस पे ये लोग काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ये एडमिशन लेते हैं। मैं आप लोग को यहाँ के इसके एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। SRM जेई का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपसे फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, मैथ या फिर बायो जो भी आपका होगा उससे 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं जो मेंटल एबिलिटी के होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे का आपसे पेपर होगा, फुल्ली ऑनलाइन पेपर होगा, नो निगेटिव मार्किंग। इस पेपर में एक नंबर का हर क्वेश्चन का जो है वो एक नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो ये है इसके एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप की, जो हम एग्जाम देंगे तो उसके बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। क्या है ना कि अगर जो इनका SRM जेई का एग्जाम होता है उसमें आपकी रैंक मान लो आती है टॉप 500 में, तो आपका एक भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, सिर्फ हॉस्टल और मेस फीस लगेगा, फुल्ली ट्यूशन फीस आपको माफ कर दी जाएगी। अगर आपकी रैंक आती 500 से 1000 के बीच में तो 75% माफ कर दी जाएगी, 1000 से 2000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो 50% माफ हो जाएगा, और अगर आपकी रैंक 2000 से 3000 में है तो 25% फीस आपकी माफ हो जाएगी। और साथ में अगर जेई मेन में आपकी रैंक 10000 के अंदर में है तो आपकी 100% फीस माफ हो जाएगी, या फिर आप CBSE या फिर स्टेट बोर्ड के टॉपर है तो उसके लिए भी आपकी 100% फीस माफ हो जाएगी, स्टेट टॉपर की भी। साथ साथ तमिलनाडु स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होंगे भी CBSE या फिर उनकी स्टेट बोर्ड की, उनकी भी 100% फीस ये लोग माफ कर देंगे। देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये एकदम बकवास है, क्योंकि पहली बात तो ये जो टॉपर्स होते हैं ना, जैसे मान लो जिनकी रैंक, हम प्राइवेट में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा NIT IIT गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया तो हम प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है वहाँ का जो एग्जाम होगा, ये लोग मतलब जो टॉपर्स हैं जिनकी रैंक अच्छी आती है मेंस में एडवांस में, वो लोग SRM का भी फॉर्म भरते हैं, वो लोग बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, तो टॉप रैंक इनकी वहाँ भी आ जाती है और यहाँ भी आ जाती है भाई। और ये लोग वहाँ का कॉलेज तो लेंगे नहीं, तो टॉप रैंक में वहाँ भी इन्हीं का नाम है, यहाँ भी इन्हीं का नाम है, तो आप यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। पहली बात तो ये कि जिनकी भी 10000 के अंदर में मेंस में रैंक आएगी वो उस कॉलेज में तो जाएगा नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 10000 के अंदर में यहाँ रहेंगे और अगर वो फॉर्म SRM जेई का भी भर दिए हैं तो फिर आप समझ लो कि वहां की भी टॉप रैंक यही ले लेंगे, तो आप लोग की रैंक आएगी उसके पीछे, तो स्कॉलरशिप मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं, एकदम बकवास है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था इनका स्कॉलरशिप।
तो भाई अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की कि फीस कितनी लगेगी हमारी 4 साल में। तो देखो भाई, आपकी पर ईयर यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 2 लाख के करीब यहाँ की ट्यूशन फीस आपको लगेगी। हर में सारा डेवलपमेंटल चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, ये सारा मिला के बोल रहा हूँ 2 लाख आपका पर ईयर यहाँ पे लगेगा सिर्फ ट्यूशन फीस। उसके बाद आपको हॉस्टल का मेस का इसका 55,000 कॉन्स्टेंट है जो आपको पूरे साल में देना है, ठीक है। अब हॉस्टल इनका वेरी करता है, 50,000 से लेके मतलब 2 लाख के करीब तक का इनका हॉस्टल है। आप सोच सकते हो मतलब हर टाइप के हॉस्टल है, जिस टाइप के भी आपको हॉस्टल चाहिए। फिर भी मैं आप मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ यहाँ पे आपको 3 लाख के ऊपर हर साल यहाँ पे देना पड़ेगा। 3 लाख के ऊपर आप एकदम अगर कंजूसी से भी रहोगे तो भी इतना पैसा आपको लगेगा। तो आप 4 साल में कैलकुलेट कर लो कि आपका जब हम इतना पैसा इस कॉलेज में लगा रहे हैं तो हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स ये मतलब एक्सपेक्ट जरूर करते हैं ना कि जब हम यहाँ से निकले तो हमारा पैकेज तो कम से कम अच्छा लगे, प्लेसमेंट तो अच्छा की हो, इतने पैसे लगा रहे हैं। और मतलब यहाँ पे लोन का भी कई बैंकों से इनका टाई अप भी है, आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लोन मिल गया, आप इंजीनियरिंग कर लिए, इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब हम वहां से निकलेंगे हम क्यों उसमें जाए। अगर हमारा प्लेसमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो हम उसमें जाए क्यों, ठीक है। तो यहाँ का मतलब प्लेसमेंट बिल्कुल ही बेकार है, हर साल इनका प्लेसमेंट ग्राफ घट रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। उसके बाद मात्र 3.5 लाख का इनका एवरेज प्लेसमेंट है मात्र। आप सोच सकते हो कितना मतलब इतना पैसा लेने के बावजूद। और हाईएस्ट पैकेज इन्होंने लिख रखा है 38-39 लाख, एक का लग गया, इतने सारे बच्चों में अगर एक का उतना का लग भी गया तो भाई हम तो एवरेज पे जाएंगे ना, एवरेज इनका 3.5 लाख का है। तो भाई इसका प्लेसमेंट मैं बोलूंगा गुड नहीं है एज कम्पेयर टू फीस। हाँ, फीस अगर इसकी थोड़ी डाउन रहती हॉस्टल मेस तब इतने का प्लेसमेंट चलता है। अगर हमें इतने का ही प्लेसमेंट लेना है तो हम क्यों ब्रांड पे जाएंगे, क्यों हम SRM के नाम पे, मतलब अगर नॉर्थ के स्टूडेंट तो इतना दूर तमिलनाडु जाएंगे स्टडी करने, इतना दूर मतलब भारत के उस छोर पे अगर हम नॉर्थ के हैं तो, और जब हमें वहाँ से कुछ फ़ायदा ही ना हो तो प्लेसमेंट यहाँ का मुझे अच्छा नहीं लगा है क्योंकि एवरेज भी अच्छा नहीं है मतलब। और ये ऐसा भी नहीं है, VIT में तो कम से कम मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट तो हो जाता था, यहाँ पर वैसा भी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं। और हाईएस्ट तो भाई हाईएस्ट पे कभी बिलीव मत करो। साथ साथ इन्होंने मतलब लिख रखा है साइड पे ड्रीम पैकेज, सुपर ड्रीम पैकेज जैसे VIT में लिख रखा है। तो मतलब VIT में क्या है कि ड्रीम पैकेज और सुपर ड्रीम पैकेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सिलेक्शन होता भी है, मतलब प्लेसमेंट होती है। इनका क्या है कि लिख तो रखा है ड्रीम पैकेज, सुपर ड्रीम पैकेज, पर बहुत कम स्टूडेंट है जो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। आपको बहुत अच्छी मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए आपको कॉलेज में, बहुत अच्छा रैंकिंग उसके लिए डिजर्व करना होगा, तब आपको 5 लाख के ऊपर का या फिर सुपर ड्रीम 10 लाख के ऊपर का पैकेज लगेगा। सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। और बाकी अगर आपको कॉलेज का कैंपस देखना हो, स्टूडेंट रिव्यू देखना हो, तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने बना बना के डाल रखे हैं, वो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। सो मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम इस टाइप से कॉलेज रिव्यू लाते रहते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वीडियो।